की बूंदों से आया मन को पिरोने सबकी उलझन सुलझाने को मिटाने ये ज्ञान की जलाने आया है अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से शासन देवों की कृपा से भीतराक्ष साधिका निशा जी के हस्ताक्षर से इस भरत क्षेत्र में महाविद्य की चौथे आर्य की साधना हमको मिली है ये साधना क्या है इस साधना में कोई मंत्र नहीं तंत्र नहीं योगा नहीं पाठ नहीं पूजा नहीं आराधना नहीं स्तुति नहीं कुछ नहीं करना फिर आप कहेंगे क्या करना अपने को जानना नो दाई सेल्फ अंडरस्टैंड दाई सेल्फ कम्प्रीहेंड दाई सेल्फ अपलिफ्ट दाई सेल्फ सभी महापुरुषों ने चाहे कृष्ण ने गीता में कहा उदरेत आत्मन, आत्मन आत्मनम आत्मनम अवसित चाहे बुद्ध की वाणी कहती है अपदीपो भाव अपने दिए बनो महावीर की वाणी कहती है अप्पा सुप्रम्पा आत्मा ही परमात्मा है कहीं जाना नहीं तुम्हारी आत्मा तुम आत्मा तुम जीव वो कहाँ है वो तुम्हारे भीतर बाहर में भीतर कहाँ इस आकार ये शरीर जो तुम्हें मिला है तुम्हें मानव का जीवन मिला पंच इंद्रिया मिली जैन कुल मिला परिवार मिला माता पिता जो कुछ भी मिला इसके साथ तुम्हें धर्म मिला और धर्म वो धर्म नहीं जिसमें पूजा पाठ अर्चना आराधना किसी देवी देवता को प्रसन्न करना और कुछ मांगना मेरे भंडार भर दो मेरे पर कृपा कर दो प्रभु की वाणी कहती है किसी की किए कुछ नहीं होता सभी तीर्थंकर भगवान सिद्धालय गए उनके भी आठ कर्म थे कर्मों को क्षय किया सबसे प्रबल कर्म मोहनीय कर्म है मोहनीय कर्म क्या है वो दिखाई नहीं देता पर हमारे चारों ओर लगा हुआ है हमारे साथ भी लगा हम साधु बन गए पर मोह जाता नहीं ये मेरे श्रावक ये मेरा संघ ये मेरा शिष्य ये मेरी परंपरा ये मेरी विचारधारा ये मैं कहता हूँ ये मेरा 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 और आप घर में हैं आप क्या कहते हैं आपने परिवार बंगला बनाया कोठी बनाई गाड़ी खरीदी टीवी ली कह मेरा बंगला मेरी फैक्ट्री जहाँ मेरा मेरा आता है मेरा कहने से नहीं अटैचमेंट आसक्ति मेरे मेरेपन का ऐसा मेरा शरीर आपका शरीर है आप लेके आए थे लेके जाओगे अरिहंत परमात्मा की वाणी कहती है कि एक पुद्गल पर भी हमारा अधिकार नहीं ये शरीर हमें मिला हमारे उदय कर्म से मिला तुमने कोई पुण्य किया होगा तुम्हें माता पिता मिल गए शरीर मिल गया धन मिल गया संपत्ति मिल गई साधना मिल गई पर ये शरीर कब तक है जब कर्म है कर्म निकला आत्मा कहीं और चली जाएगी ये शरीर शमशान की राख होगा फिर और नया शरीर लोगे देव में जाओगे पुण्य किया तो मनुष्य बनोगे पाप किया तो पशु बनोगे नरक में जाओगे ऐसे हम सब नादि काल से चार गति चौरासी लाख जीवायोनियों में भ्रमण कर रहे हैं क्यों भ्रमण कर रहे हैं एक ही सत्य है त्रिकाल सत्य है अटल सत्य है आत्मा किसकी आत्मा अपनी ही आत्मा अपना जीव वो है कहां वो हमारे भीतर है वो दिखाई नहीं देता उस आत्मा का रंग नहीं रूप नहीं वर्ण नहीं गंध नहीं रस नहीं स्पर्श नहीं आत्मा की माता नहीं पिता नहीं आत्मा का जन्म ही नहीं जन्मा है आत्मा अनादिकाल से आत्म तत्व है इसके माता पिता नहीं माता ने शरीर को जन्म दिया है पिता माता ने नाम माता पिता ने दिया है पर आत्मा को कहीं नाम नहीं ये बेसिक हमारी भूल है मैं शिव मुनि माता पिता ने जो कह दिया पूरी जिंदगी उसके साथ लगे हुए पर यह है पर रियल मैं नहीं हूं रिलेटिव हूं माता पिता ने नाम दिया उनका उपकार है गुरु का उपकार है पर मैं हूं कौन इस देह के भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं एक आत्मा हूं वो अष्टगुणों से युक्त आत्मा है आत्मा में अनंत ज्ञान सिद्ध भगवान तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते और सबकी मंगल की कामना करते हैं कोई कुछ कर रहा हो उनको कोई दखल नहीं वो कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते नहीं सारे संसार में देखो कोई रात्रि भोजन कर रहा है कोई भिक्षा मांग के भोजन लाता है कोई शिकार खेलता है कोई कुछ करता है भगवान कोई दखल नहीं देते परंतु यदि आप चाहो उनसे प्रार्थना करो आपको मार्ग बता देंगे ये मार्ग सत्य का मार्ग ये है करो तुम्हारी मर्जी ना करो तुम्हारी तो धर्म भी यही कहता है कि तुम अपने को समझो आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर आप आए हैं हम आपके लिए मंगल की कामना कर हम क्या दे सकते हैं धन पैसा तो मेरे पास नहीं हमें हमारे पास कुछ है नहीं जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिला वो क्या मिला कि तुम हो कौन इसको जान लो परमात्मा ने बताया कि तुम आत्मा हो आत्मा अष्ट गुणों से युक्त सबकी आत्मा मेरी आत्मा आपकी आत्मा सबकी आत्मा कोई भेदभाव नहीं कि जैनियों की आत्मा कि सिखों की आत्मा नहीं कुछ नहीं पूरे जगत में सब आत्मा में अष्ट गुण है वो आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति उसका आकार नहीं उसका ये आकार में निराकार है वो दिखाई नहीं देते हवा है दिखाई देती पर हवा सब जगह है आकार में निराकार आत्मा उसका वजन भी नहीं है ऐ गुरु लघु ना हल्की है न भारी है उसका वजन नहीं उसका जन्म नहीं उसका मरण नहीं कभी आत्मा का जन्म नहीं आत्मा का मरण नहीं त्रिकाल सत्य है अटल सत्य है यही आत्मा जब मोह कर्म टूट जाएगा तो भीतर केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा फिर तीनों लोगों को तुम जानते हो जैसे अरिहंत परमात्मा जानते कब प्रकट होगा जब मेरा 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 छोड़ दोगे और सबको समान समझोगे रहोगे घर में हम नहीं कहते घर छोड़ के हमारे पास आ जाओ घर में रहो पर घर से अटैचमेंट मत रखो मेरी बेटी मेरा घर मेरा बेटा है सब ठीक है पर तुम्हारा नहीं कोई बेटा तुम्हारा है माता पिता कब चले जाएंगे आज इस कर्म पूरा होगा माता पिता चले जाएंगे हमारा इस कर्म हम चले जाएंगे और कहाँ जाएंगे जीव की इतनी शक्ति है करोड़ों लोग बैठे होंगे जीव निकल के चला जाएगा किसका पता ही नहीं लगेगा पता नहीं लगेगा जीव निकल के। और कहाँ जाएगा जहाँ उसने अगला जन्म लेना है मनुष्य जानी में जाना है तो वहाँ जन्म ले लो लोगे देव ज्वनी में जाना देव में जन्म ले लो लोगे जैसा कर्म करोगे आत्मा कार्बन शरीर को लेकर के चली जाती पता ही नहीं लगता करोड़ों लोग बैठे होंगे मनाने मनानेंगे खुशी मनाएंगे आत्मा चली जाती ये आत्मा का गुण है हल्की है ना भारी और सत्य है आत्मा शायद और यही आत्मा सिद्धालय जाएगी इतनी शक्ति है छब्बीस लोग पार करके सिद्धालय में अनंत सिद्ध हो गए वही आत्मा परमात्मा में मेल हो जाएगा जैसे महावीर की आत्मा भगवान ऋषभदेव की आत्मा चौबीस तीर्थंकरों की आत्मा वो आत्मा तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा वहाँ चली जाएगी पर जाएगी कैसे कोई शक्ति तो लगेगी नहीं कोई लेके जाएगा नहीं तुम अपने ही पुरुषार्थ से अपने ही कर्मों को क्षय करके मोहनीय कर्म को क्षय करके तब जाओगे इसके लिए उपाय क्या है उपाय भी पंचम काल में भगवान ने बहुत सुंदर उपाय बताया है किसी के पास जाने की जरूरत नहीं मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारे में कोई तंत्र मंत्र माला करो ना करो तुम्हारी मर्जी ये सब धर्म के अंग हैं उपवास माला शास्त्र का स्वाध्याय तप जप ये सब धर्म के अंग हैं पर धर्म क्या है धर्म है तुम अपने स्वभाव में आ जाओ तुम्हारा स्वभाव क्या है आत्मा का स्वभाव एक शरीर का स्वभाव है शरीर का सब शरीर के पास मन है बुद्धि है इंद्रियां है धारणा है मेरी धारणा मेरी परंपरा मेरा मन मे सब शरीर का हिस्सा है आपके शरीर का हिस्सा आपके पास मन है बुद्धि है इंद्रियां ये इसके पीछे कौन शक्ति काम करती है आत्मा की आत्मा है तो मन की शक्ति लाख गुना बढ़ जाती है और आत्मा ना लगे तो मन कुछ नहीं कर सकता जैसे शेर कितना बलवान होता है जंगल के जानवर डर जाते हैं शेर में ताकत है वही शेर पिंजरे में बंद कर दो कुछ नहीं कर सकता ऐसी ही आत्मा में अनंत शक्ति है थी रहेगी तो उस आत्म शक्ति को तुम पहचानो तुम्हारे भीतर परमात्मा है तुम सिद्ध हो सकते हो तुम मोक्ष जा सकते हो ऐसा नहीं कहा है? भगवान ने कि तुम मोक्ष सि... ग्रस्तलिंग सिद्धा पंद्रह प्रकार के सिद्ध है ऐसा भी इतना धर्म है स्त्रीलिंग सिद्धा पुरुषलिंग सिद्धा नपुरुषलिंग सिद्धा ग्रीसलिंग सिद्धा अन्नलिंग सिद्धा स्वयलिंग सिद्धा परलिंग सिद्धा मतलब ग्रिस्त में रहते हुए भी यदि आप ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए यह साधना करते करते धीरे धीरे दो तीन जन्म में सिद्धालय जा सकते भरत चक्रवर्ती आशीष महल में केवल ज्ञान हो गया अंगूठी गिरी संत कुमार चक्रवर्ती दीक्षा ले के चले गए माता मारुदेवी माता आ, मेरा बेटा कहाँ होगा करते करते चिंतन करते करते दुन भी बजी भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया और वो कहती मैं बेटे के मुँह में फंसी पड़ी हूँ मेरा बेटा तो पहुँच गया हाथी के उदे पर बैठे बैठी माता मारुदेवी को केवल ज्ञान हो तो केवल ज्ञान कैसे होगा जब तुम्हारी आत्मा निर्मल होगी शुद्ध होगी पवित्र होगी सबके प्रति प्रेम और मैत्री भाव होगा धन कमाओगे पर धन पर अपना अधिकार मत जन्माओ राजा महाराजा चक्रवर्ती बड़े बड़े चले गए उनके खजाने भरे पड़े हैं किलों में बड़े बड़े नाग बैठे हैं उसके ऊपर किसी को आने नहीं देते उम्र के नाग बन गए क्योंकि वो देते किसी को थे नहीं हर बन के नाग बन के बैठे हैं ऊपर बैठे हैं किसी को हानि नहीं देते आपने सुना होगा जो खजाने बड़े बड़े होते हैं उसके बड़े बड़े नाग बैठे होते हैं वो मर के नाग बन जाते धन का क्या फ़ायदा राजा महाराजा बने युद्ध लड़े धन हीरे जवाहरात कमाया और दिया किसी को है नहीं वो गड़े पड़े हैं और वो बड़े बड़े नाग बैठे तो धन का ये हाल है तो धन का क्या करना धन कमाओ परिवार की रक्षा करो खूब खाओ खूब खिलाओ पर उसको बांटते रहो देते रहो किसी जितना दोगे और आएगा जीव और अजीव का भेद ये भेद ज्ञान की साधना बहुत गहरी साधना है ये पंचम का चौथे आर्य की साधना जो अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आप सबको मिली है उसमें जीना क्या करना है दो हिस्से करने हैं जैसे म्यान और तलवार तलवार अलग है म्यान अलग है दूध में मक्खन दूध में बिलोगे नहीं बनाओगे मंथन करोगे दूध अलग है तिल में तेल तो ऐसे फूल में इतर दो तत्व तो अलग अलग है पर हम क्या करते हैं अज्ञान के कारण जो नाम मिला जो पद मिला मैं मेरा नाम पद लिंग पूरी ज़िंदगी इसमें लगा देते हैं और ज़रा सा कुछ कह दे तो हमें आ जाता मुझे कह दिया उसको क्यों कहा उसने ये सब मैं हुई नहीं मैं शिव मुनि हुई नहीं ये नाम मिला दे दिया पता नहीं कब तक है शिव मुनि इतनी उम्र हो गई ये लिंग मिल गया उसके बाद पता नहीं मैंने कहाँ जाना है आपने कहाँ जाना और क्या पता आपके माता पिता कहाँ गए पहले के माता पिता कौन थे और आप कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं ये केवल ही भगवान जानते हैं हरियंत परमात्मा जान एक याद रखो दो तत्व जीव और अजीव का भेद करके तो कैसे भेद करो चलो भगवान से पूछा धर्म क्या है धर्म तुम्हारे पास है उठो बैठो चलो सो खाओ पियो भेद कर दो भोजन कौन कर रहा है शरीर कर रहा है विश्राम कौन कर रहा है शरीर कर रहा है चल कौन रहा है शरीर कर रहा है बात मैं बात कर रहा हूँ पर भीतर मुझे होश रहे कि मैं आत्मा हूँ ये बात मुझे, मुझे मुख से कहनी है दो तत्व का भेद करो और एकदम नहीं आएगा समय लगेगा पुराने संस्कार हैं उसके लिए थोड़ा साधना करनी पड़ेगी प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो जयनंग नमो लो ये सब सावनंग धमो मंगल मुखी ठम आयंसा संजमो तवो देवा वित्तंग नमंग शांति जस धम्म से श्री चरम मंगलम सिद्धा सिद्धांगल साहू मंगलं, केवली केेबल धम्मो मंगल चत्तारी लोगुत्म अर्हंता लोघुत्तम सिद्धा लोघुत्म साहू लोगुत्तम केबलिपानत्त्त् धम्मो लोघुत्तम चत्तारी शरण प्रवजा अर्हते शरण प्रवजा सिद्धे शरण प्रवजा साहू शरण प्रवजा